बॉलीवुड एक्टर आर माधवन इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज द रेलवे मैन के प्रमोशन पे जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। वहीं सीरीज में उनके साथ बॉलीवुड की बेहतरीन कलाकार जूही चावला भी नजर आने वाली है। वहीं हाल ही में नेटफ्लिक्स ने एक वीडियो जारी किया है जहां आर माधवन अपनी को स्टार को लेकर एक शॉकिंग खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। आर माधवन जूही चावला के सामने ये कन्फेस करते हैं कि एक समय था जब वह उनसे शादी करना चाहते थे। उन्हें देखते ही आर माधवन अपना दिल दे बैठे थे। जी हाँ, आर माधवन कहते हैं कि जब मैंने फिल्म कयामत से कयामत तक देखी तो मैंने अपनी माँ को बुला दिया था और उनसे कहा था कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। एक्टर की ये बात सुनकर जूही जोर जोर से हंस पड़ी। इसके बाद माधवन कहते हैं कि उस वक्त मेरी लाइफ का इकलौता लक्ष्य था कि मुझे जूही चावला से शादी करनी है। बता दें कि कयामत से कयामत तक से जूही चावला ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में उनके ऑपोजिट आमिर खान थे। ये फिल्म मंसूर खान ने डायरेक्ट की थी और ये साल की सबसे हिट फिल्म साबित हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद से जूही चावला की किस्मत चमक उठी थी। वहीं द रेलवे मैन की बात करें तो शिव रवेल के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में आर माधवन और जूही चावला के अलावा के मेनन, बाबिल खान और दिव्यंदु शर्मा, इसके अलावा दिव्यंदु शर्मा भट्टाचार्य जैसे अहम जो सितारे हैं वो आपको इसमें नजर आने वाले हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर साझा करें। नमस्कार।